हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो में हम एकदम सिंपल और इजी पाव भाजी की रेसिपी बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक बेस बनाएंगे और उस बेस से हम फिर पाव भाजी और हम इसमें एक तवा पुलाव की रेसिपी आपको बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सब्जियों को उबालेंगे। तो सब्जियां उबालने के लिए हमें कुकर में 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और उसमें हम 4 से 5 कटा हुआ आलू, 1 गोभी, 1 बीटरूट यानी चुकंदर, 2-3 गाजर कटे हुए, 2 कप हरी मटर और 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी का मसाला डाल देंगे और उसमें हम 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी डालेंगे और फिर इन सबको अच्छे से मिला के उसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हम पकाएंगे। अब हम इसे 2-3 सीटी के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 2-3 सीटी के बाद हम फिर इसको अपने से खोलने देंगे ढक्कन और सब्जियों को चेक करेंगे, एक सब्जियाँ पकी है एक नहीं। और उसके बाद हम एक लहसुन की चटनी बनाएंगे, जिसके लिए हम एक मिक्सर में 20 से 25 लहसुन, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा पानी डाल के हम इसे पीस लेंगे। और इसके बाद हम भाजी के बेस के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो हम इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल और 2 बड़ा चम्मच ही बटर भी डालेंगे और इन सबको अच्छे से पिघला लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और उसके बाद हम इसमें 2 कप चॉप किया हुआ शिमला मिर्च डाल के इन सबको अच्छे से हम 2-3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे अच्छे से। और इसके बाद हम इसमें 2 चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे, 1 चम्मच ग्रीन चिली का पेस्ट डालेंगे यानी हरी मिर्ची का पेस्ट और इसको भी हम 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम भून लेंगे। और अब इसके बाद हमें इसमें 2 कप चॉप किया हुआ टमाटर और नमक डालेंगे और इन सबको भी हम 2-3 मिनट के लिए ही हाई फ्लेम पर पहले पका लेंगे। अब इसके बाद हमने जो सब्जियां उबाली थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे कुकर में ही मिक्स कर सकते हैं या फिर आप तवे पे या कढ़ाई में मिक्स कर। अब इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे पाव भाजी मसाला, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाला है और उसके बाद हम इसको मैश करते हुए अच्छे से मिलाते रहेंगे। अब इसमें हम 4-5 चम्मच जो हमने गार्लिक की चटनी बनाई थी वो डालेंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो आप जैसा देख सकते हैं हम इसको एकदम फाइन पीस चुके हैं। अब इसके बाद अब हम इसमें नमक डाल लेंगे अगर कम रहा तो, नहीं तो फिर हमारा मसाला तैयार है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और अब जब आपको सर्व करना हो तो आप थोड़ा तड़का लगाइए और इसे सर्व करिएगा। तो तड़के के लिए हम उसी तवे पे थोड़ा बटर डालेंगे और उसमें हमने जो गार्लिक की चटनी बनाई थी थोड़ा वो डालेंगे और हम इसमें थोड़ा पाव भाजी मसाला भी डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद जो हमारा बेस तैयार था वो डालेंगे और हम इसमें पानी डाल के कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। पानी आप इसमें गर्म ही यूज़ करिएगा और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। लास्ट में आप इसमें थोड़ा धनिया भी डाल सकते हैं। अब हम इसके बाद पाव को रोस्ट करेंगे। तो पाव भी, उसके लिए भी हम थोड़ा बटर और गार्लिक चटनी और धनिया डालेंगे। सबको अच्छे से मिला के हम इस पर अपने पाव को रोस्ट कर लेंगे। तो हमारा पाव भाजी तैयार है, इसे ट्राई करिएगा। अब इसके बाद हमने जो मसाला बनाया था उसी से हम फिर एक तवा पुलाव की रेसिपी आपको इसी बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम तवे पर पहले बटर डालेंगे और उसमें जो गार्लिक चटनी बनाई थी वो ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे इसे हम।
और इसके बाद हमने जो मिक्सर तैयार किया था उसे डालेंगे और उसे भी एक बार तवे पे अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे, इसे मीडियम थिक रखिएगा। इसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे, चावल आप लेफ्ट ओवर भी ले सकते हैं, आप ताज़ा बना सकते हैं ताज़ा बनाइए तो उसमें थोड़ा हल्दी डाल दीजिएगा। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा मटर और धनिया डालेंगे और हम नमक एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि हमारा तो लेफ्ट ओवर राइस था इसलिए। अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और हमारा तवा पुलाव भी तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा तवा पुलाव भी रेडी गया है, इसे भी ट्राई करिएगा और वीडियो कैसी लगी हो कमेंट्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।